रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है पंजाब के हुशियारपुर टांडा से, जहां पर आपको बता दें स्कूल स्टूडेंट्स को ट्रेन पर चढ़कर रील बनाना महंगा पड़ गया है। जी हाँ, बड़ा हादसा हो गया है। खबर में जो डिटेल्स सामने आई हैं, अब आपको बता दें कि ट्रेन पर चढ़कर मोबाइल पर रील बनाते समय स्कूल स्टूडेंट हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गया। जो और इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 12वीं क्लास का ये स्टूडेंट जो कि हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आकर 80% से ज़्यादा झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए टांडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें जो प्राथमिक उपचार के बाद उसे हुशियारपुर रेफर किया गया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस टांडा में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला करण नाम बताया जा रहा है, अपने बताया जा रहा है दो दोस्तों के साथ स्कूल के लिए लेट हो गया था, जिसके बाद स्कूल जाने की बजाय ये स्टूडेंट्स जो थे ये रेलवे स्टेशन चले गए, जहां पर इन्होंने वीडियोस बनाने की सोची, रील बनाने की सोची, और इसके चक्कर में ये बड़ा हादसा हो गया है। मौके की तस्वीरें सामने आई हैं, आप भी डालिए हुशियारपुर से वरिंदर की उस रिपोर्ट पर एक नजर। 17 साल उम्र का लड़का सी, सन ऑफ दलविंदर सिंह, कलोया पिंड का सी। वो मरीज लेके आया साढ़े को, सुनने आया कि शायद वो रेलवे लाइन के करंट पिया, उस रेलवे लाइन तो काफी बर्न होया सी। असी ओदी मुढ़ली सहायता दे के उन्हूं असी वड्डे हस्पताल भेज दिता है। सड़न पर सारा अगो फ्रंट ओदा उपरों लैके नीचे तक सारा जलिया होया सी। साल उम्र का लड़का सी, सन ऑफ दलविंदर सिंह, कलोया पिंड का सी। वो मरीज लैके आया साढ़े को, सुनने च आया कि शायद वो रेलवे लाइन के करंट पिया, उस रेलवे लाइन तो काफ़ी बर्न होया सी। असी ओदी मुढ़ली सहायता दे के उन्हूं असी वड्डे हस्पताल भेज दिता है। सड़न पर सारा अगो फ्रंट ओदा उपरों लैके नीचे तक सारा जलिया होया सी।